नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। सांसद खेल महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी का बयान, बोले खेल महाकुंभ वह नींव है जिस पर भविष्य की भव्य इमारत खड़ी होगी। उद्योगों के लिए अब भारत सबसे पसंदीदा विनिर्माण गंतव्य के रूप में उभर रहा है भारत, बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किरेन रिजिजू का विपक्ष पर वार, कहा इस इकोसिस्टम भड़क गया, ये लोग विदेशी समाचार एजेंसियों पर भरोसा करते हैं। नागालैंड में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, बोले बीजेपी सरकार धारा 371 ए को भी खत्म कर सकती है। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए प्लान में किंतु सरकार नहीं दे रही है फंड। नीतीश के मिशन 2024 की राह पर तेजस्वी, बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे डिप्टी सीएम। मेघालय में बीजेपी ने एनपीपी से गठबंधन तोड़ा, बीजेपी अब सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फॉरेंसिक जांच कराने वाला होगा दिल्ली, पहला राज्य गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। केसीआर की बेटी ने सीतारमन पर किया पलटवार, बोली चीन की अर्थव्यवस्था 18 ट्रिलियन डॉलर की तो हमारा गोल 5 ट्रिलियन क्यों। कर्नाटक कांग्रेस नेता परमेश्वर का बड़ा बयान, कहा पार्टी में कर्नाटक मुख्यमंत्री पद के 10 दावेदार, मैं भी उनमें से एक। राज्यपाल सीवी आनंद ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र, कहा संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करे सरकार। उड़ीसा में नेता विपक्ष ने महिला इंस्पेक्टर को धक्का मारा, कहा तुम रिश्वतखोर और डकैत हो, प्रदर्शन के दौरान हुआ विवाद। टीपू वाले बयान पर बीजेपी के मंत्री के बदले बोल, पहले कहा था सिद्धारमैया को टीपू सुल्तान जैसे मार दो, अब सोच जाता है। बीबीसी पर आईटी का सर्वे, 60 घंटे बाद खत्म, संस्थान बोला हम बिना डर और फेवर के खबरें देते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भूकंप से कांपी धरती थी, 3.6 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर मिलेंगे 18 लाख रोजगार के अवसर, जीआईएस में एमएसएमई क्षेत्र में बड़े छोटे 8,829 एएमयू। सपा ने रोली तिवारी और ऋचा सिंह को क्या निष्कासित, रामचरित मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का दोनों ने किया था विरोध। सीएम योगी के भारत हिंदू राष्ट्र बनने के दावे पर रामगोपाल यादव ने कसा तंज, कहा देश पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। सपा ने नेताओं पैनलिस्ट को दी नसीहत, धार्मिक मुद्दों में ना उलझे, बुनियादी सवालों पर करें बहस। मड़ौली अग्निकांड के पीड़ित परिवार से मिलने आ सकती हैं प्रियंका वाड्रा, इस सप्ताह में औचक टूर की तैयारी।
पागल हाथी ने तीन को कुचलकर मार डाला। गोरखपुर में कलश यात्रा में बुलाया गया था, 5 घंटे में पाया गया काबू। मस्जिद में तोड़फोड़ लगाए, जय श्री राम के नारे, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका काम, पुलिस के सामने फेंका सामान। सौ करोड़ छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की छापेमारी, दिसंबर 2022 में दर्ज किया था मामला, कई अहम दस्तावेज किए जब्त। विधायक इरफान सोलंकी की 150 करोड़ की संपत्ति होगी सीज, वकील का दावा, दूसरा कानपुर देहात बनाने की तैयारी। कानपुर में फ्लैट में मिला प्रेमी प्रेमिका का शव, 10 दिन बाद लड़की की शादी थी, शादीशुदा युवक से अफेयर। मेरठ में तीन बच्चों की मां ने की आत्महत्या, पंखे से लटक कर दे दी जान, घर पर अकेली थी महिला। पडौली कांड के एसआईटी ने शुरू की जांच, लोगों से साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपील, जारी किए फोन नंबर, ईमेल और पता। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि पर 2 दिन का रूट डायवर्जन, कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए कई रूट नो ट्रैफिक जोन बनाए। घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गोली, मथुरा में दामाद के भाई पर गोली मारने का आरोप, हालत गंभीर। बिजनौर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसा छोटा हाथी, 7 लोग घायल, चालक को आ गई थी झपकी। मुजफ्फरनगर में डेयरी संचालकों पर महामारी फैलाने में एफआईआर, नगर पालिका ने डेयरियों पर की छापेमारी। पच्चीस फरवरी से एक हफ्ते नहीं जमा होगी बिजली बिल, ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। फिरोजाबाद में नवविवाहिता ने की आत्महत्या, 1 साल पहले हुई थी शादी, पिता बोले दहेज के लिए ससुरालियों ने मार डाला। आगरा में हॉस्पिटल स्टाफ ने की सिपाही से मारपीट, कृष्णा हॉस्पिटल में पत्नी का इलाज कराने आया था, 6 पर मुकदमा दर्ज। उन्नाव में एसडीएम व खनिज विभाग की टीम की कार्रवाई, चेकिंग कर ओवरलोड वाहन पकड़े, 16 ट्रकों का काटा चालान। उन्नाव में वैन की स्कूटी में टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में कार और रेहड़ी की टक्कर, टक्कर में कार में फंसे लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अम्बेडकर नगर में किराए पर चल रहे 11 आंगनबाड़ी केंद्र, 1 आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में खर्च हो रहा है 8.52 लाख। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों व पुलिस के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा कॉमी के समय गिरफ्तार। फिरोजाबाद में विवाहिता ने लगाई फांसी, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, अस्पताल में किया हंगामा। कानपुर में मां बेटी की मौत पर दी गई श्रद्धांजलि, गाजीपुर में ब्राह्मण जनसेवा मंच ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध।
अलीगढ़ में 3 इंस्पेक्टरों को मिली गई तैनाती। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। हापुड़ में अवैध खनन पर सख्ती। 15 दिन में 20 वाहन सीज। कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। कासगंज में मोर खाने से मगरमच्छ की हुई मौत। गले में चोंच और पंख फंसने से हुई मौत। वन विभाग ने कराया पोस्टमार्टम। मैनपुरी में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। 20,000 के नामी गैंगस्टर आशीष के पैर में लगी गोली। 13 मुकदमे दर्ज। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीएम धामी को लिखा पत्र। बर्खास्त कर्मियों के पक्ष में फैसला लेने का आग्रह। उत्तराखंड में बढ़ते वेतन पेंशन खर्च से सहमी सरकार। राज्य कर्मियों को अतिरिक्त दोष मिले के कम आसार। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। मैक्स अस्पताल में भर्ती। स्थिति सामान्य। आराम करने की सलाह। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में राज्य सेना की 4 कंपनियों का कार्यकाल 2028 तक बढ़ा। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूनी भूषण ने केंद्रीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से की मुलाकात। मिला आश्वासन। उत्तराखंड में मोबाइल स्वास्थ्य सेवा व टेलीमेडिसिन को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। एनडीएमए की रिपोर्ट के बाद ही बटेगा प्रभावितों को मुआवजा। लॉटरी से मिलेगी दुकानें व आवासीय भवन। उत्तराखंड में बर्फबारी कम होने से रद्द हुए ओली विंटर गेम। 23 से 26 फरवरी तक होनी थी चैंपियनशिप। उत्तराखंड में प्यार में अंधी हुई पत्नी। सिर पर हथौड़ा मारकर पति को दी दर्दनाक मौत। बचने के लिए रची थी ये साजिश। उत्तराखंड में टेंट हाउस में लगी भीषण आग। 3 घंटे में बुझाई गई आग। आसपास कई मकानों को भी पहुंची क्षति। उत्तराखंड में लापरवाही पर जाखन चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। देर रात तक बार खुले रहने के मामले में हुई कार्रवाई। भारत में जेट स्ट्रीम का असर पड़ेगी। भीषण गर्मी, हिमखंड पिघलने और हिमस्खलन की आशंका जताई जा रही है। बंद्रा रिसोर्ट केस को पौड़ी स्थानांतरित करने की अजय निरस्त। मृतका की मां ने दिया था प्रार्थना पत्र। बारातियों पर पथराव से मची अफरा तफरी। 2 समुदाय से जुड़ा मामला होने के चलते पहुंच गए थाने की पुलिस। उत्तराखंड में 20 फरवरी से होगा भारत उज्बेकिस्तान के सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। 90 जवान करेंगे प्रतिभाग। इमरान खान कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। पूर्व प्रधानमंत्री के घर बाहर भारी तादाद में पुलिस तैनात। तुर्की में मरने वालों की संख्या 42,000 से अधिक। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए यूएन ने मानवीय अपील की।
यूक्रेन पर रूस ने बढ़ाए मिसाइल हमले, कई क्षेत्रों से यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने का दावा। फिर बौखलाया चीन, अमेरिका की दो रक्षा कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, ताइवान को हथियारों की बिक्री पर की कार्रवाई। फिजी के उप प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी और जयशंकर की जमकर तारीफ की, हिंदी सम्मेलन में गूंजा भारत माता की जय का नारा। इजरायली हैकर्स की 30 देशों के इलेक्शन में दखलअंदाजी, भारत, यूएस और यूके भी शामिल, कांग्रेस बोली लोकतंत्र खतरे में। बाइडेन का बड़ा बयान, बोले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराने पर अफसोस नहीं, चीन से कोल्ड वॉर नहीं चाहता। जहर देकर की थी मशहूर कवि पाब्लो नेरुदा की हत्या, मौत के 50 साल बाद वैज्ञानिक रिपोर्ट में खुलासा। ओसामा का वफादार रहा सैफ अल आदेल, बना अलकायदा चीफ, अमेरिका ने इस पर रखा था 82 करोड़ का इनाम, ईरान से ऑपरेट कर रहा था। यूक्रेन ने रूस के लिए 6 जासूसी बैलून बार गिराए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, रोमानिया बोले ये हमारे यहां भी दिखे हैं। यूट्यूब के नए सीईओ बने भारतीय मूल के नील मोहन, 2013 में मिला था 544 करोड़ का बोनस। एयर इंडिया ने दिया 840 विमान का ऑर्डर, ऑफिसर ने कहा अभी 470 सौदा फाइनल, 317 एयरक्राफ्ट का ऑप्शन खुला। IQO नियो ने 7 5G स्मार्टफोन लॉन्च, मीडियाटेक डायमेंसिटी सुपर फास्ट प्रोसेसर वाला भारत का पहला फोन। नोकिया ने भारत में लॉन्च किया 5G स्मार्टफोन, 100% रिसाइकल एल्युमिनियम से बनी नोकिया X30 में मिलेगा 50 MP कैमरा। छटनी के बीच चुकरबर्ग का सिक्योरिटी अलाउंस बढ़ाया गया, 33 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 115 करोड़ रुपए किया गया। पाकिस्तान में पेट्रोल रिकॉर्ड 272 रुपए लीटर, एक महीने में पेट्रोल 58, डीजल 53 रुपए महंगा हुआ। सोने का आयात 76% घटकर 32 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, व्यापार घाटा कम करने में मिलेगी मदद। RBI का बड़ा फैसला, विदेश से पैसा भेजने वाले के नाम, पता और मूल देश की देनी होगी जानकारी, नेफ्ट RTGS प्रणाली में बदलाव किए गए हैं। SNDP अडानी ट्रांसमिशन के SHG मूल्यांकन की समीक्षा करेगी, बोली हम पूरे घटनाक्रम की करेंगे निगरानी। ट्राई ने फर्जी टेली मार्केटर्स पर लिया बड़ा एक्शन, टेलीकॉम कंपनियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इंग्लैंड ने टेस्ट मैच के पहले दिन की पारी घोषित, तो जो रूट ने रिवर्स स्कोप से जड़ा चौका। भारतीय खिलाड़ियों ने पुजारा को सभी टेस्ट पर दिया गॉड ऑफ ऑनर, BCCI ने शेयर किया वीडियो। महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत की हैट्रिक, तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदा।
कालिन मुनरो की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग को हराए। कालिन मुनरो बने प्लेयर ऑफ द मैच। टेस्ट से पहले रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया को दी कड़ी नसीहत, बोले आईपीएल के अपने दोस्तों को छोड़ दी। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से हाथापाई करने वाली लड़की गिरफ्तार, सेल्फी को लेकर बीच सड़क में हुआ था विवाद। रणजी ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन बंगाल ऑल आउट, उनाडकट साकरिया के लिए तीन तीन विकेट, सौराष्ट्र ने दो विकेट पर 81 रन बनाए। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेल सकता है पापुआ न्यू गिनी, महिला फुटबॉल टीम अपने दम पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी कर रही है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की हार्ड ट्रेनिंग, साउथ अफ्रीका में अभ्यास की वीडियो डाली, मिलियन लोगों ने देखी। महान भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम की 87 साल की उम्र में निधन, दो बार के ओलंपियन और एशियाई खेलों के थे गोल्ड मेडलिस्ट। केआरके ने कपिल शर्मा पर कसा तंज, कहा प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो एक पनौती है। आदित्य राय कपूर को जबरदस्ती किस करने लगी फीमेल फैन, वीडियो देख भड़के यूजर्स, बोले ये तो हैरेसमेंट है। काम पर वापस लौटे सिद्धार्थ मल्होत्रा, कैजुअल लुक में दिखे हैंडसम, फिल्म योद्धा की टीम के साथ हुए स्पॉट। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी ने फैंस को दिया सरप्राइज, चलती मेट्रो में सेल्फी, सॉन्ग मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पर किया जबरदस्त डांस। हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर कंधार का धमाकेदार टीजर रिलीज, दर्शकों को भाग गई बटलर अली फजल की जुगलबंदी। नौवीं क्लास में ट्रेवल करती दिखी दीपिका पादुकोण, वीडियो देख फैंस ने की सादगी की तारीफ। शीजान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, पुलिस ने तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। हार्दिक नताशा ने लिए सात फेरे, हिंदू रीति रिवाज से शादी करने की तस्वीरें सामने आई, रॉयल लुक में दिखा कपल। स्वरा भास्कर ने सपा नेता फहाद से की शादी, दो हफ्ते पहले फोटो पोस्ट करके दी थी शादी करने की सलाह, अब सुनाई अपनी लव स्टोरी। बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया शहजादा का ट्रेलर, दिल्लिया के इंडिया गेट से लेकर दुबई तक प्रमोशन करने के लिए पहुंचे कार्तिक आर्यन। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।